अक्षय अग्रवाल युपीएससीच्या परीक्षेत देशात चौथा तर महाराष्ट्रात प्रथम. धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथील अक्षय सुनील अग्रवाल याने युपीएससीच्या परीक्षेत देशात चौथा क्रमांक पटकावला असून महाराष्ट्रामध्ये पहिला क्रमांक पटकावला आहे. अक्षयचे बालवाडी ते दहावी पर्यंतचे शिक्षण आरसी पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये झाले तर अकरावी बारावीचे शिक्षण आरसी पटेल कनिष्ठ महाविद्यालयात झाले. त्याने पुणे येथील कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग मधून मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेतले. अक्षय यास 2014 मध्ये सुवर्ण पदक देखील मिळाले आहे. त्यानंतर त्याने एमएस पदवी सिंगापूर राष्ट्रीय विद्यापीठातून प्राप्त केली व सुवर्ण पदक देखील मिळवले. अक्षयचे वडील सुनील अग्रवाल यांचे शिरपूर येथे बियाणे व औषधाचे दुकान असून या दुकानातून मिळणाऱ्या कमाईतून त्यांनी अक्षयचे शिक्षण केले. ये मेरा लड़का है अक्षय अग्रवाल. ये तो बचपन से वैसे काफी हुशार था, बहुत ही पढ़ाई में हुशार था और एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट लड़का है मेरा ये. इसने शुरू से ही पहला नंबर कभी छोड़ा नहीं. शालेय शिक्षण और कॉलेज शिक्षण में सभी जगह वो टॉपर रहा है. ये तो हमारे अक्षयच्या कुटुंबात आई वडील आजी आणि मोठी बहीण तसेच अक्षयच्या बहिणीचे काही वर्षापूर्वी लग्न झाले. अक्षय सुरुवातीपासूनच अभ्यासात हुशार असल्याने तो पहिलीपासूनच शाळेत टॉपर होता. शिक्षणाची आवड आणि मोठा अधिकारी बनण्याची त्याची जिद्द यामुळे अक्षय पहिल्यांदाच युपीएससीच्या परीक्षेत बसला आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणात त्याने यशाला गवत घातली. अधिकारी बनण्याच्या अक्षयच्या स्वप्नांनी अक्षयला रात्रंदिवस सब कुछ छोड़ दिया और हमको बहुत खुशी हो रही. ऐसा बच्चा हर माँ बाप को दे, मैं यही बोलूंगी. लहानपणापासून अक्षय दिवस रात्र फक्त अभ्यासात मग्न असायचा आणि या जिद्दीमुळे आज अक्षयचे स्वप्न दिवस रात्र एक केल्यामुळे पूर्ण झाले असून आम्हा मित्रांची छाती अभिमानाने अक्षयच्या यशामुळे फुलली आहे असे त्याचे बालपणीचे मित्रांचे म्हणणे आहे. अक्षय बहुत काबिल लड़का था. फिर उसको एक दिन का मैं प्रसंग आपको बताना चाहता हूँ. एक दिन उसे ऐसे ही मतलब सबको मैडम ने पूछा कि आप क्या करना चाहते हो बड़े होके. तो मेरे मित्र अक्षय ने कहा कि मुझे बड़ा होके नोट पर आना है. तो उसी दिन हमने समझा कि यार लड़का मतलब उसे मतलब उसकी जो हौसले थे वो बहुत ही बुलंद थे और जिसने कर दिखाया है जो जैसे इकोनॉमिक सर्विसेज में वो गुजरा है वैसे उसके उसका एक सपना है कि मतलब मेरी सिग्नेचर नोट पर आनी चाहिए. तो जिस तरीके से उसने यूपीएससी में और इकोनॉमिक सर्विसेज में जो उसने पद हासिल किया है आज फोर्थ रैंक हासिल किया है तो उस वक्त हमको लगता है कि अक्षय ये काम बहुत जल्द कर पाएगा. और उसका स्वभाव वगैरह जो था बचपन से बहुत ही पढ़ाकू और बहुत ही मददी था. मतलब हर बच्चे को मदद करता था और प्लस हमारे टीचर्स जो थे उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया. जिद्द आणि मेहनत या दोन गोष्टी जर माणसामध्ये असतील तर कुठल्याही परिस्थितीमध्ये यश हमखास मिळते हे अक्षयने यातून दाखवून दिले. काल की यूपीएससी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज एग्जाम में भारत में चौथा क्रमांक और महाराष्ट्र में पहला क्रमांक मिलाया है. इस बात से मैं बहुत ही खुश हूँ और आगे मैं अपने देश की सेवा करने के लिए उत्सुक हूँ. तो मैंने मेरी इस परीक्षा की शुरुआत की तैयारी पिछले साल 2017 में की जबकि मैं सिंगापुर में मेरा मास्टर्स मैंने कंप्लीट ही किया था. तब मैंने सोचा कि मैंने ये परीक्षा को आजमाना चाहिए, मैंने ट्राई करना चाहिए और मैंने इस परीक्षा की पढ़ाई करना शुरू की. वैसे मेरी बात बताऊँ तो मैंने मेरी बालवाड़ी से लेके तो 10वीं तक की पढ़ाई हमारे शिरपुर की आरसी पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल से की है और उसके बाद में 11वीं 12वीं भी शिरपुर में ही आरसी पटेल जूनियर कॉलेज से मैंने की है. उसके बाद मुझे महाराष्ट्र की जो सीईटी एग्ज़ाम होती है उसके अंदर मैंने अच्छे अंक मिलाए और मुझे पूना की गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मुझे एडमिशन मिला. वहाँ पर मैंने 4 साल में 2010 से 2014 में मैंने मेरी इंजीनियरिंग पूरी की और वहाँ पर मैंने 2014 में गोल्ड मेडल मिलाया क्योंकि मैं वहाँ पर कॉलेज में टॉपर था.